अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आज मैं कॉटन शर्ट्स डिज़ाइंस आइडियाज़ लेकर आई हूं। कॉटन शर्ट्स डिज़ाइंस बहुत ही खूबसूरत कॉटन शर्ट डिज़ाइंस हैं, और आजकल जो है नॉर्मल सीज़न चल रहा है, आगे आएगा तो उसके मुताबिक जो है कॉटन स्टफ जो है बहुत ज़्यादा पहना जाता है, तो उसके मुताबिक मैं शर्ट्स की डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ कि आप किस तरह से जो है सिंपल फैब्रिक को जो है लेसिस के साथ, बटन्स के साथ, और बहुत ही खूबसूरत आजकल समोसा लेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडी जा रही है, और जॉइंट लेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडी जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, गर्ल्स बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं, समोसा लेस बहुत खूबसूरत लगती है अपने ड्रेसेस पे लगाना, और जॉइंट लेस की वजह से भी आप अपने ड्रेस को बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट, बहुत प्यारे प्यारे और बहुत हसीन आइडियाज़ मिलेंगे आपको, जिन्हें आप पिक करके अपनी शर्ट्स पे ही डिज़ाइनिंग करवा के आप देखेंगे कितना लेटेस्ट और डिफरेंट स्टाइल था, और ये भी बिल्कुल लेटेस्ट एंड डिफरेंट स्टाइल की लेस है। आजकल मार्केट में बहुत टाइप्स के जो है लेसिस अवेलेबल हैं, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत लेसिस अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से आप अपने ड्रेसिस को चार चांद लगा सकते हैं। और बेसिकली ये मेरी वीडियोस जो होती हैं आइडियाज़ वीडियोस होती हैं, इनकी मदद से आप आइडियाज़ लेकर अपने ड्रेसिस को बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन कर सकते हैं घर पर। कुछ में आपको जो है प्लेस टली में मिलेंगी, कुछ ड्रेसेस में आपको समोसा लेसिस से, और प्लेस छोटी बारीक प्लेट से, और बटन्स के साथ बहुत खूबसूरत टसल्स के साथ बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग आपको मिलेगी मेरी वीडियोस में। फ्रेंड्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद किस अपडेट के मुतालिक आपको वीडियो देखनी है ये भी ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ ही साथ छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी उन फ्रेंड्स के साथ, इन सब्सक्राइबर्स के साथ जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड देन प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँ कि नई वीडियो के साथ, नए डिज़ाइंस के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।